था टूर्नामेंट, भरपूर फायदा उठाया लेग स्टंप पर फुल टॉस का, काफी जोर से मारने की कोशिश नहीं किया, जस्ट दिशा दिया उस गेंद को, और इसी के साथ पहला बाउंड्री मैच के तीसरी गेंद पर। और सूझबूझ वाली स्टार्ट, बहुत ही बढ़िया गेंद, देखना होगा अंपायर, और इसी के साथ पहला विकेट कल के स्टार बल्लेबाज रोहित इसी के साथ अपना विकेट गंवाते हुए। बहुत अच्छी गेंद, पहला सीजन अब खिताब आपने नाम किया, बहुत ही अच्छी गेंद और अच्छी, ये कवर पे के पार जाते हुए बहुत ही अच्छी शॉट, और ये गैप में खेला हुआ शॉट ज्यादा ओवर पिच गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका दिया और बल्लेबाज ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए। बहुत ही शॉर्ट गेंद और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए चार रन के लिए। पवन सिंह गेंद को जल्दी भांप लेते हैं कि शॉर्ट ऑफ लेंथ है या गुड लेंथ है, तो गुड लेंथ और अच्छी गेंद। एक डिफेंसिव स्ट्रोक में एक क्विक सिंगल लेने की कोशिश किया उन्होंने, कोई रन नहीं, और चुस्त विश्वजीत बॉल को दौड़ते हुए आए और सिंगल बचाने में कामयाब। बहुत अच्छी कोशिश, बट देखना होगा कि, और ये बॉल बहुत अच्छी कोशिश, बट देखना होगा कि, और ये बॉल जीता बाउंड्री के बाहर। बहुत बढ़िया एक कप था ये, थोड़ा अच्छा नहीं होगा क्रिकेट अगर एयर कंडीशन ग्राउंड में होता, और इसी बीच एक अच्छा शॉट और ये एक और बाउंड्री देखने को मिला। लगता है राम रंजन को मुंबई काफी भाग गया है। नहीं, मुंबई तो पूरे देश की जान है, मुंबई हर किसी का आने का एक सपना होता है। पहले भी दौड़ा पुणे और मुंबई में, कुछ समय बिता चुके हैं, कुछ वर्ष बिता चुके हैं। तो इन शॉर्ट आपका बोलने का मतलब कि आप घाट घाट के पानी पी के बैठे हो। बीच कमेंटेटर अपना ध्यान बाहर निकालते हुए एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला, स्ट्रोक देखने को मिला।
एक और चार रन, बैक टू बैक दो चार। पवन सिंह अब काफी अच्छे से देख रहे हैं और बॉल को, बॉल पर अच्छा प्रहार भी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि सारे गेम जो है उनका ग्राउंड टू ग्राउंड शॉट्स होते हैं, और जो इससे पहले वाला चार मारा था ऑफ स्टंप ओवर पिच गेंद पर, जहाँ देखा बाहर बाउंड्री में कोई नहीं है तो उसको एक हवा में उठा के खेला था, काफी समझदारी वाली। चौथे ओवर की आखिरी गेंद और ये एक और फुल टॉस बिल्कुल लेग पे, और ये एक वरदान होता है बल्लेबाज के लिए, भरपूर फायदा उठाया उस लूज बॉल का। चौथे ओवर में अभी तक तीन चौके, एक छक्का और एक वाइड, कुल मिलाकर 19 रन चौथे ओवर से आए, जो बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ है। और ये एक बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बॉल, मानो कि रुक के आई हो और अपने शॉट को चेक किया पवन ने, और आई थिंक हैंडल का एज लगकर, और शानदार कैच पकड़ा दीप चौधरी ने एक हाथ से। That's a misfield, और इसके साथ चार रन पहली गेंद पे, चार रन। तो मैं कह रहा था आशीष जी हमारे जो वेस्ट के ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने काफी तुन्तुने खरीदवाए थे, लेकिन वो चाइनीज माल निकला तो आवाज में थोड़ी कमी है यहाँ पर ग्राउंड में, तो कॉस्ट कटिंग वहां पे भी दिखने को मिला, जो पहले दिन तो बजे लेकिन उसके बाद चौका, और इसके साथ नॉर्दर्न वॉरियर्स का स्कोर 62 रन। और ये दूसरा गेंद, और ये भी बाउंड्री टच करता हुआ, और ये लगातार दो चौके के साथ नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाड़ियों में नया उत्साह। भीम सिंह ने लगातार दो गेंदों पे दो चार, और इसके साथ स्कोर है, गियर बदला है। एक और ये हवा में खेला हुआ गेंद, और ये चूक हुई, ये भी चार रन के लिए। अब इसे क्या बोलेंगे, लगातार तीन बॉल पे तीन बाउंड्रीज, फील्डर ये ओवर बहुत ही, फील्डर जज नहीं कर पाए इस गेंद को, बाउंस बहुत हो रहा है गेंद, वो एक तकलीफ है। ये मिस टाइम शॉट था, आई एम श्योर जिधर खेलना चाहते थे और जिस तेजी से बॉल को जाना चाहिए था बाउंड्री तक, उस तेजी से नहीं गया, एक शिफ्ट है। ये चौथी गेंद, ये भी सीमा रेखा के बाहर, और ये चार चौकों के साथ भरपूर हार करते हुए। अब खेम सिंह का जलवा शुरू, इसके साथ ही नॉर्थ का स्कोर 74 रन 74 आफ्टर टू विकेट 7.4 ओवर। बीसीएल और ये जोरदार घुमाया, और ये छह, और ये छह रन, ये क्या हो रहा है सुबह, एक जी हाँ यही क्रिकेट है। और अभी तक पांच गेंदों में 22 रन, अच्छा शॉट वहां पे देखते हैं यहाँ पे, और ये छह रन।
बढ़िया शॉट वहां पे सूरज अपील और ये आउट सूरज यहां पे आउट होते हुए धन्यवाद विनीत दसवें ओवर की पहली गेंद उठा के मार दिया गया इसको और इसी के साथ चार रन बाउंड्री लाइन के बाद चार रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 96 रन लॉस ऑफ 3 विकेट काफी अच्छा शॉट खेला लॉन्ग ऑन में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चार रनों के लिए दीनानाथ और हवा में गेंद और एक जोरदार अपील और इसी के साथ आउट एक और झटका नॉर्थ को सैम सिंह के रूप में और काफी बड़ा झटका है नॉर्थ के लिए 96 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर नॉर्थ अगर आज नॉर्थ 150 क्रॉस करती है तो एक मैच में एक रोमांच आ सकता है काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पे एटीए के द्वारा और उतनी अच्छी फील्डिंग काफी अच्छी गेंद का प्रदर्शन करते हुए हल्के हल्के कदमों से भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और घुमा के मार दिया गया इसको और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए काफी लंबा सिक्स जबरदस्त सिक्स और इसी के साथ नॉर्थ का 100 रन पूरे और इसी के साथ नॉर्थ का स्कोर जा पहुंचा 102 रन काफी उल्लास नॉर्थ के खेमे में काफी खुश है नॉर्थ वाले दसवां ओवर अभी प्रगति की ओर चल रहा है और स्कोर जा पहुंचा 102 फील्ड पे आए आते ही अपने पहली गेंद में एक 6 का स्कोर किया और ये दूसरा और एक और बम्बई स्टाइल लव के साथ एक और झटका नॉर्थ को लगता हुआ और काफी उत्साहित है एटीए के सारे प्लेयर्स काफी जोश में नजर आ रहे हैं फील्डर की तारीफ करनी होगी यहां पर बॉल को जज करते हुए फिसल से गए थे और लगा हमें आज विश्वजीत अपने ओवर की अगली गेंद के साथ और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए विश्वजीत ने अभी भी मुकेश 5 गेंदें खेलकर 12 रनों पर क्रीज पर डटे हुए साथ विश्वजीत धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और घुमा के मार दिया गया इसको घुमा के मार दिया गया और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए काफी जबरदस्त छक्का मुकेश के बल्ले से निकला हुआ काफी जबरदस्त छक्का पूरी धोनी वाली स्टाइल में छक्का मार के स्कोर जा पहुंचा है नॉर्थ का 117 रन लॉस ऑफ 5 विकेट 11 ओवर की समाप्ति पर मुकेश मानस जो कि टीम और उठा के मार दिया गेंद हवा में और एक आसान सा कैच एक कैच ड्रॉप किया दिया है बॉलर ने एक और नुकसान हो सकता था नॉर्थ को क्रिक
क्रिकेट एक माइंड गेम भी है और इस माइंड गेम में मुंबई के साथ ओ घुमा के मारना चाहते थे, बीट हुए बैट्समैन और इसी के साथ आउट, एक और विकेट नॉर्थ को 12.4 ओवर में 121। अरे 121 पे 6 छठा विकेट इसी के साथ। और ये एक अच्छा ड्राइव और फील्डर ने भरपूर कोशिश किया, डाइव भी लगाए लेकिन बॉल बल्ले के बीचों बीच से आया। 4 रन। पे 6, 3 गेंदे अभी भी शेष इस 13वें ओवर में। जीत और ये एक और 4 बाउंड्री की तरफ, अच्छा घुमाया हालांकि बल्ले पे आई नहीं, स्टिल फील्डर को फील्डर के पार और ये 4 रन। 132 पे 6, 12.4 ओवरों में एक बार फिर बाउंड्री का सिलसिला शुरू करते हुए गोपाल सिंह 4 गेंदों में 10 रन बनाकर क्रीज पे डटे हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रहार और ये किसी को कोई चांस नहीं 6 रन के लिए। तो ट्रेंड बन गया सर अभी एक और घुमा के मार दिया गया इसको कैप्टन मुकेश के द्वारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक जबरदस्त छक्का इस ग्राउंड से, काफी उठा के मारा था इस गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं यहां पे किसी फील्डर को और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 147 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। सुवन रॉय जो कि अपने पहले 2 ओवर में बहुत सटीक गेंदबाजी की, उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए थे, जिसको अच्छे से बापा और गेंद को हवा में, फिल्टर गेंद के नीचे हल्के हल्के कर भागते हुए लेकिन कोई चांस नहीं वहां पे कैच का और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ नॉर्थ का स्कोर जा पहुंचा 151 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। तो सर आपका जो टारगेट था नियर अबाउट टारगेट अराउंड 165 का, मुझे लगता है सर 170 रन तक बन पाएंगे, तो आपको क्या लगता है सर क्या 170 रन बन पाएंगे नॉर्थ का? 165 टू 170 और अभी 165 पे अगर रोक पाए ईटीए तो मैं कहूंगा कि ये आखिरी के 14वें ओवर का। ओ और गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, देखना क्या पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। और एक शानदार सा कैच यहां पर और एक और सफलता एटीए के खाते में, एक और विकेट का पतन और अच्छा शॉट था लेकिन थोड़े से मिस टाइम हुए, जिसको दिल्ली के भाषा में कहते हैं खड़ी हो गई। बिल्कुल, और एक जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, जितने भी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं अभी तक इस सीजन में हम लोगों ने 278 चौके मार चुके हैं यहाँ पर इस ग्राउंड पे और अगर मैं छक्कों की बात करूँ तो 122 छक्के यहाँ पे लग चुके हैं सर। तो सर अब मैक्सिमम कितना 150 तक बीसीएल को देखने के लिए और ट्रेन से यात्री काफी एंजॉय कर रहे और गेंद हवा में और निश्चित तौर पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इसको जा पहुंचा है 158 लॉस ऑफ 7 विकेट, यात्री हैं उनको भी कवर करें और
मैच के इस रोमांच और धीरे धीरे मुकेश के ये गुड हिटिंग को देखकर आई थिंक टूर्नामेंट का पंचम सिंह आए हैं और उठा के मार दिया गया है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी मजेदार बैटिंग कर रहे हैं मुकेश अपनी टीम के लिए, काफी उम्मीदें हैं नॉर्थ को और अपने और मुकेश अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर। तो 16 गेंदों में 46 रन बनाकर मुकेश खेल रहे हैं, बिल्कुल कप्तानी पारी देखने को मिला और अभी भी 3 गेंदें शेष। एक और शॉट और देखना होगा और ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इसी बीच 174 पे 7 ना पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और इसी के साथ एक 6 रन मार दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पूरा किया उन्होंने शानदार बल्लेबाजी। और इसी के साथ कैप्टन कूल का अर्धशतक पूरा होता हुआ 18 गेंदों में 53 रन। सर आपको क्या लगता है एटीए की अब क्या स्ट्रेटजी दी होगी 182 रन बनाने के लिए? हवा में शॉट खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद और ये कैच, पहला झटका एटीए को लगता हुआ। डीजे पहला झटका यहां पर एटीए को, शानदार कैच वहां पे राजेश डी के रूप में स्क्वायर लेग पे, बढ़िया कैच। इसी ओवर की अगली बॉल, हवा में शॉट खेला है वहां पे फील्डर मौजूद दौड़ के और ये कैच लगातार विश्वजीत एम के रूप में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। पिछले बरस हम हरिपुर वाले तमन्ना दास की शादी में छुप-छुपा कर गए थे, वहां बहुत जोर नाची थी ये। वाह, आते हुए यहां पे गोपाल स्लो डिलीवरी और ये आउट और एक विकेट का पतन। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खोखो नट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खोखो नट। मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को, अच्छा शॉट वहां पे, देखते कितने रन बन पाते यहाँ पे। फील्डर गेंद के पिच चौका, हाँ ये पहला चौका लगता हुआ ईस्टर्न ब्लास्टर्स की तरफ से फिनाले के सेकंड इनिंग्स में पहला चौका ईस्टर्न ब्लास्टर्स के द्वारा। बैट्समैन के ऊपर मौका नहीं दे रहे कोई, कट किया है और एक शॉट और एक चौका शॉट गैप देख के मारा, काफी चतुर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे डब्लू। देखा उन्होंने काफी थोड़ी ऊंची गेंद थी, बस गेंद को दिशा दिखाई पीछे की तरफ, बॉलर के पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जी ले जाने में सक्षम।
शॉट खेला है, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैच पकड़ पाते हैं और आउट, बेहतरीन बहुत ही शानदार कैच वहाँ पे द्वारा। जैसा कि नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम से और ये टॉप एज लगा हुआ है, देखते कि और ये विकेट फिर से मुकेश ने कैच पकड़ लिया यहाँ पे, और एक विकेट का पतन यहाँ पे। सुपो जी जो कि काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे, और ये बोल्ड और एक विकेट यहाँ पे सुमन रिक्की के रूप में। धीरे धीरे मैच एक तरफा होता हुआ, अच्छा शॉट वहां पे, बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे, देखते हैं यहाँ पे और ये चौका, बहुत ही अच्छा शॉट वहां पे दीप चौधरी के द्वारा। मैच के बाद एक सीसीएल मैच होगा जो हमारे मेहमान और क्रू मेंबर्स द्वारा। आखिरी गेंद छठे ओवर की कट किया और ये मिसफील्ड वहां पे कर दिया है, और ये चार रन का मौका और चार रन मिसफील्ड वहां पे काफी कम देखा गया है नॉर्दर्न वॉरियर्स की तरफ से मिसफील्ड। तारीफ करनी होगी दीप चौधरी की, प्रेशर में भी बाउंड्रीज निकाल रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह ओवर समाप्त, छह ओवर की समाप्ति पे 32 रन 6 विकेट के नुकसान पे ईस्टर्न ब्लास्टर्स 16.6 टीम नॉर्थ द्वारा। चश्मा पे है, देखते हैं यहाँ पे कितने रन, कोई फील्डर और ये कोई मौका नहीं, फील्डर के ऊपर से 6 रन। पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पे ईस्टर्न ब्लास्टर्स की तरफ से, अच्छा शॉट दीप चौधरी द्वारा। एक अभी अभी सूचना कि हमें सीसीएल में टीम से उन्होंने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया है। और एक अच्छा शॉट, अच्छा यहाँ पे देखते कितने रन बन पाते हैं, यहाँ पे फील्डर मौजूद, आसानी से कैच किया वहां पे, बहुत ही अच्छा कैच वहां पे जयवीर द्वारा। अच्छा खेल रहे थे दीप, और एक विकेट यहां पे ईस्टर्न ब्लास्टर्स का गिरता हुआ, सातवां विकेट। अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं और ये अगेन एक रेयर छह, इस गेम का दूसरा छक्का। राहुल ने एक अच्छा प्रहार किया, नितिन जहां भी हो, नितिन कमेंट्री बॉक्स में आए, नितिन मिश्रा, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। एक चुस्त
फील्डिंग का डिस्प्ले यहां पर, और इसी के साथ एक रन आउट, आठवें विकेट राहुल जिन्होंने एक छक्का मारा इस ओवर में, क्विक सिंगल चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। इसी बीच टीम सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, आखिरी के दो विकेट रह गए हैं ईस्ट के। एक और शॉट स्ट्रेट खेला गया शॉट, चार रन, विश्वजीत जो कि कैप्टन कूल हैं ईस्ट के। एक और रन आउट, ऑर्गेनाइजर आशीष आप ले लिया। अरे शानदार छक्का, मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और ठुमका देखिए ठुमका, और ठुमका लगा पोल पे ईटी है। तो शुभम कुमार शुक्ला क्यों इस बात को बार बार दोहराते हैं आप, मुझे समझ में आ रहा है। रनर्स की ट्रॉफी और शानदार चौका अंत तक ईटी है अपना, अच्छे से शॉट मारा, अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं कर रही है ईटी की टीम। तो हल्के में ही ली वो जीएसआई के, जरूर खेलेंगे प्लेइंग 11 में। बहुत शानदार शॉट देखना होगा, और ये विकेट के बाहर, बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 12 रन और बचे 100 के लिए। ईटीए टीम कम से कम 100 जरूर बनाना चाहेगी इस मैच में। और हमारे आमिया सर ग्राउंड पे, किसको आज फाइनल के दिन किसको सपोर्ट करने आए हैं आप? करके बता रहे थे कि अगर 50 का आंकड़ा भी पार हो जाएगा तो ये अचंभित करने वाली बात होगी, पर खुद तुमने ही बोला था, शुभम ने कहा, स्टेटमेंट था शुभम का ये अभी। और इसी के साथ बहुत ही सम्मानजनक पारी खेली है का किताब नॉर्थ के जोली में, जो चैंपियंस है उन्होंने बिल्कुल चैंपियंस जैसा परफॉर्म किया है। टीम नॉर्थ हैज वन द फाइनल। सीसीएल का मैच अब स्टार्ट होगा, सारे सीसीएल के जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए, अन्यथा उनको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। अशोक जी देखो वो आ गए सबसे पहले, प्लीज आ जाइए जिस जिसको खेलना है प्लीज तुरंत जल्दी। जो जो सीसीएल खेलना चाहता है आप आ जाएं प्लीज।